नमस्ते डियर हार्डवर्किंग फ्रेंड्स, एक्वेरियस कुंभ लग्न मार्च 2024 कैसा रहेगा आपके लिए? देखिए, जो फरवरी का जो प्रेडिक्शन था आपका, बहुत बड़ा चांस की बात थी, वैवाहिक जीवन के ट्यूनिंग की बात थी वैवाहिक जीवन के ट्यूनिंग की भी बात थी। मैंने बोला कि आपके मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग के लिए बेस्ट महीना फरवरी, बहुत रेयरली ऐसा टाइम आता है एक्वेरियस के लिए। अब मार्च महीने को मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। 15 तारीख तक कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा, अगर इफ इट इज अ रिस्क आपके माइंड में है तो। 15 तारीख तक हो सकता है आपके पत्नी या पति के परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है, मतलब आपका स्पाउस बड़ा, उसका फैमिली स्पाउस का, आपके पति या पत्नी का, वो बड़े आनंद में है, उसके फंक्शन में आपको अटेंड करना पड़ेगा, ये हो सकता है। थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन भी रहेगा। देखिए, 10 फरवरी से 3 मार्च के दौरान आपके साथ चीटिंग भी हुआ होगा, हो सकता है फाइनेंशियल चीटिंग हुआ हो, यह संभावना ज्यादा है। आपके परिवार में से किसी ने चीटिंग भी किया होगा वो अभी फॉरगेट करें उसको। मार्च महीना, मैंने बोला सर, थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है 15 दिन का। 16 तारीख से 1 अप्रैल तक कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग मिलेगा आपको, लकी टाइम रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग मिलेगा आपको। 2 महीने तक अभी मार्च और अप्रैल में किसी की जामीन नहीं लीजिएगा, नहीं तो पर्टिकुलरली जामीन लोगे किसी का, आपका जो स्पाउस है इसका बोलना आपको मार्च और अप्रैल के दौरान हर्ट भी होता रहेगा। आपका स्पाउस बहुत रुबाबदार है, सूर्य को जल जीवन भर चढ़ाइएगा, सप्तमेश लग्न में आया है, यह बहुत अच्छी चीज है। 27 फरवरी से 15 मार्च तक का जो टाइम है, इसमें आपके पति या पत्नी से पैसा मांगोगे तो अच्छा खासा पैसा मिल सकता है आपको, क्योंकि उसके पास धन की कृपा है इस वक्त, उससे पैसा मांगकर अपना टाइम चलाइएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले थोड़ा एक्वेरियस के बारे में आपको समझाता हूं। देखिए, कर्मस्थान का स्वामी मंगल है, जीवन में जितनी चैलेंजेस एक्वेरियस को है और जितनी चैलेंज स्कॉर्पियो को है और किसी को नहीं है। यार, ऑलवेज पासिंग थ्रू ए वेरी चैलेंजिंग बल टाइम। लग्नेश ही शनि है आपका और वो तो 8वां स्थान है वृश्चिक लोगों का, स्कॉर्पियन कर्मस्थान में जो ये वृश्चिक राशि, आप जैसे लोग जो सोचते हैं कि भाई मैं भले धूप में रहूं बट परिवार छाव में रहे, ये सोचते हैं आप। मैंने बहुत पुलिस में या मिलिट्री में, फौज में स्कॉर्पियंस देखे, भाइयों के साथ व्यापार करते हुए देखे हैं कि भाई चलो भाई को सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी के एडवाइजर के स्वरूप में काम करते हुए देखे हैं, केमिकल का काम करते हुए देखे हैं, एक्सप्लोजिव केमिकल का, हैजार्डस केमिकल का, जो हैजार्डस मतलब जो शरीर को नुकसान करते ऐसे केमिकलों का भी काम करते हुए मैंने स्कॉर्पियो या एक्वेरियस को देखे हैं। कि भले अपना खुद को तकलीफ होती है बट आपके जो साथ जो परिवार है उसके लिए अपनी जान देने वाले पर्टिकुलरली आप लोगों को मैंने देखा है एक्वेरियस को। इस महीने का 15 दिन बर्दाश्त करिएगा। 10 फरवरी से 3 मार्च के दौरान फाइनेंशियल चीटिंग होगा आपके साथ, ये संभावना है और वो आप देख चुके हैं इस महीने में। पर्टिकुलरली मैंने बोला मार्च एंड आई विल से अप्रैल, यू शुड नॉट बी ए गारंटर, मतलब कभी भी कहीं भीड़ हो जाती है, कहीं मतलब आपको लगे कि यहां पुलिस केस होने वाली जैसी मैटर है, आपका कोई मतलब भी नहीं, आप जा रहे बाजू से सड़क से, अब भीड़ इकट्ठा हो गई, आप तमाशबीन बन गए उसमें, वो करिएगा ही नहीं, अदरवाइज लोग इधर उधर हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे एज यूजुअल। यू आर रूल बाय द सैटर्न, जरा भी गलती आप परेशान। इस महीने में ये डेट को मार्क करिएगा, इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए बताता हूं मैं क्योंकि आपके काम धंधे में चैलेंजेस ज्यादा होती है, 3rd, 4th, 5th and 6th थोड़ा अपमानित होना पड़ेगा, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर आप अपमानित हो, कोई छोटा सा झगड़ा बहुत बड़ा दरूप धारण कर ले, कैलेंडर पे मार्क करो ये डेट्स को। 11, 12, 13, 14, 15 स्ट्रेसफुल रहेगा, यानी कि आपके काम धंधे में तनाव रहेगा, इसको भी मार्क करिएगा। 28, 29, 30 and 31 डोंट कीप एनी वर्क पेंडिंग, हो सकता है आपका बॉस आपको बहुत बड़ी बड़ी लालच देके आपसे मेहनत लेता होगा। 5 फरवरी से 14 मार्च तक आपका कर्मेश 12 में उच्च का, अच्छी बात, बड़ी लालच दिया होगा कि भाई मैं अगर एक दिन राजा बन जाऊंगा तो आपको भी राजा बना दूंगा, ये वो बातें बड़ी बड़ी।
तो ये तारीख है 28, 29, 30, 31, डोंट कीप एनी वर्क पेंडिंग, नहीं तो उसके लिए भी आपको अपमानित होना पड़ेगा। ये डेट को मार्क करिएगा, इस तरह से ध्यान रखिएगा इसको। दोज हू आर जॉबलेस, उनके लिए तो मैं मानता हूं, देखिए 20 से 23 तारीख, 20, 20, 21, 22 और 23 विल बी द बेस्ट डे, अच्छा दिन रहेगा, मतलब आपके लिए काम के लिए आप जो सोच के जाएंगे वो काम आप फतेह कर देंगे, सक्सेस कर देंगे। बिजनेस के लिए बेस्ट है, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है, आपका पार्टनर राजा जैसा पार्टनर है, रुबाबदार, स्पाउस भी वैसा ही है। मैंने सूर्य को जल देने बोला है, रोज सुबह सूर्य को जल देने के बाद ही आपको ऑफिस जाना चाहिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। 7 से 10 मार्च पार्टनरशिप में बिजनेस हो तो बहुत अच्छा है, जरूर करिएगा। 7 से 10 इसका एडवांटेज लीजिए। हेल्थ के लिए 20 और 21 केयरफुल रहना है आपको, 20 एंड 21। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे समय से गुजरेंगे 16 मार्च से आप, और उसमें भी ये जो डेट है स्टूडेंट के लिए 6, 12, 13, 16, 17, 20, 21 एंड 22 मार्च इज द बेस्ट डे, टेक द मैक्सिमम एडवांटेज इफ पॉसिबल। आप जैसे स्टूडेंट को मैं देखता हूं, कर्मस्थान में वृश्चिक राशि है, मतलब गिरे हुए लोगों से पाला पड़ता है काम धंधे में। गिरे हुए लोग मतलब मैं समझाता हूं आपको, दो टाइप के लोग होते हैं, एक दुनिया की नजर में गिरे होते हैं, एक खुद की भी नजर में गिरे हुए। ये स्कॉर्पियो साइन है आपके कर्मस्थान में, खुद की भी नजर में गिरे हुए लोगों से कर्मस्थान में पाला पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली गंदी आदतों से बच के रहना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। 20, 21, 22 आई विल से ये जो डेट है इसका मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा। गंदी आदत में पड़े, देखिए जैमिनी है, कर्मस्थान में वृश्चिक राशि है, तो घटिया लोगों से पाला पड़ता है, बहुत घटिया लोगों से, मतलब गिरे हुए लोगों से। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके साथ जानबूझ के ऐसा हरकत करते हैं वो लोग, और वो आपके बात आपका दैट इज डेस्टिनी, आप उसको नहीं बदल सकते। सो मैं एक्वेरियस को जितना मेहनत करते हुए देखता हूं, स्कॉर्पियो को इतना मेहनत करते हुए और किसी को नहीं देखता, मतलब जरा भी आपने केयरलेसनेस किया और आपको परेशानी हुई। इवन कैप्रिकॉन को भी बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, प्यार करते हैं उनके लिए 9 और 23 बेस्ट है। कुंभ राशि में शुक्र चंद्र का युति प्रतियुति की तारीख है ये 9 एंड 23। प्रपोज वपोज करना चाहते हैं तो विवाह का मौका भी है, क्योंकि गुरु सप्तम को देख रहा है, बहुत स्पीड में गुरु आगे बढ़ रहा है। मैंने फरवरी महीना आपके विवाह के लिए बेस्ट बताया था, शायद हो भी गया हो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत बड़ा चांस की बात किया था मैंने फरवरी में, 100% किया था मैंने आपको। और अभी ये तारीख भी अच्छी है, मैंने विवाह में यस लिखा ही है आपके लिए, 9 और 23 प्रपोज कर दीजिएगा, हो सकता है काम। आपका जो जो लव्ड वन जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो कैरेक्टर है बहुत टॉकेटिव, जेमिनी वाला टॉकेटिव, आपको हर बात बताता है, आपको सिर्फ आंख बंद करके सुनना है। यू आर रूल बाय द सैटर्न, जीवन आपको शुक्र आया है लग्न में, बहुत बहुत वक्त के बाद एक रोमांटिक टाइम देने के लिए शुक्र लग्न में है, एंजॉय दैट रोमांटिक टाइम ऑफ वीनस। ये 7 मार्च से 30 मार्च मैंने बोला ऐसा, शुक्र महाराज लग्न में आया कुंभ में। व्हीकल को प्लान करते हो, देखिए ये व्हीकल या तो आपके पैसे का नहीं तो किसी और के पैसे का, व्हीकल में एक अच्छा खासा सफर भी मिल सकता है। मैरिज के लिए यस, शेयर मार्केट के लिए 6, 12, 13, 21 एंड 22 फॉर सेल, 6, 12, 13। देखिए ये जो तारीख है इन दिनों में आप मार्केट स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, 21, 22 बेच के बाहर निकल जाने की बात सेल ऑफ के लिए। इस महीने में अगर कोई बोल सकता है कि आपको किसी से पैसा मांगना हो, अपने ही पैसे उधार दिए और मांगने हो, तो 21 और 22 बेस्ट है, किसी से पैसा मांगना हो तो भी बेस्ट है 21 और 22। अब ओवरऑल पिक्चर को देखेंगे तो सूर्य लग्न में आया, मैंने सूर्य को जल चढ़ाने बोला ही है, सप्तमेश लग्न में आया यानी कि स्पाउस की दादागिरी बढ़ेगी, दादागिरी सदैव बढ़ती है आप पर, शनि सूर्य का तनाव भरा सिचुएशन विवाह लग्न में है, लेकिन साथ में ये शुक्र है तो बहुत अच्छा है कि रोमांटिक शुक्र बहुत साल में एक बार आता है, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली मार्च महीने के करीब ये शुक्र सूर्य के आजू बाजू ही होता है, और 14 मार्च के पहले यानी कि 13 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्य हमेशा आपके लग्न में होता है। ये सम्मान प्राप्ति भी कराता है, ईगो आ जाता है, ईगो नहीं आना चाहिए, बी रिमेंबर दिस। ये महीने में आपको 13 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्य को जल देते रहिएगा, स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग रहेगा सप्तमेश लग्न में, लेकिन उसकी जीत भी रहेगी,
और वो एक लेवल पे पहुंचा हुआ स्पाउस है आपका। कभी कभी मैं देखता हूं कि आपके लेवल से ऊंचे लेवल में विवाह कर लेते हैं आप लोग, और जीवन भर स्पाउस का डोमिनेशन बर्दाश्त करना पड़ता है। उसको खुश रखने के लिए आपका ज्यादातर मेहनत खर्च हो जाती है। ज्यादातर आप ये देखते हैं कि स्पाउस हैप्पी रहे, परिवार हैप्पी रहे, और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करते हुए एक्वेरियस को देखा है। जितना मेहनत करते मैं एक्वेरियस को देखता हूं, इतना मेहनत करते मैंने किसी को नहीं देखा है। ये डेट को बराबर नोट करिएगा, ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति का तारीख है, मैंने बताया दोनों ही शुभ है आपके लिए। एक केयरफुल रहने की डेट मार्क करिएगा कैलेंडर पर। देखिए ये चतुर्थी की तारीख है 13 मार्च और 28 मार्च। आपके कर्म क्षेत्र पर जलील होना ये डेस्टिनी है आपकी। वृश्चिक राशि में जब जब चंद्र आता है, 2 दिन रहता है, ये आपको थोड़ा बहुत जलालत देता है। मंगल जब नेगेटिव स्टेटस से गुजरता है तब देता है। गणेश मंदिर में या तो हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, आपका बहुत कंप्लेंट अधिकतर सेटल हो जाएगा। 13 मार्च 28 मार्च गणेश मंदिर या हनुमान जी के मंदिर। गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगा सकते हैं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं। 8 मार्च और 22 मार्च ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि 8 मार्च को, और ये प्रदोष है, ये शिव उपासना करिएगा। आपको शत्रु पीड़ा भी आप बहुत बार देखते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता है, फिर भी एक्वेरियस के साथ लोगों का बर्ताव बहुत नेगेटिव होता है। लॉर्ड ऑफ द 12th एंड लॉर्ड ऑफ द लग्न इज द सेम नंबर 1, ये माइनस पॉइंट है। मतलब जिंदगी में एक बार आदमी को नीचे गिराता ही है, क्योंकि 12th लॉर्ड है, फॉरेन जाएगा तो बहुत चेंज होता है लाइफ। लॉर्ड ऑफ द 5th एंड लॉर्ड ऑफ द 6th इज द सेम, मतलब संतान की चिंता भी जीते जी जाती नहीं, संतान भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो दुख देते हैं, संतान भी बहुत, जो हिसाब आप सोचते हैं वो सक्सेस दिखाई नहीं देती। मतलब ये लग्न में बहुत सारी माइनस पॉइंट है, बट इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी शुक्र योग कारक है, बेटी पैदा हो, विवाह हो, उसके बाद जीवन बदलता हुआ दिखाई देता है। ये डेट्स बराबर ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको शिव उपासना करने के लिए बोला कि अगर आप शत्रु से नौकरी में बहुत अपमानित होते हैं, जलील होते हैं, ये गणेश उपासना शिव मंदिर में दर्शन करें, किया हुआ बेकार नहीं जाता। अब 10 मार्च देखिए, मैंने आपको 2 महीना बोला है गारंटी नहीं लेने का किसी का, मार्च और अप्रैल में कहीं तमाशबिन बन के खड़े हो गए तो भी कोर्ट कचहरी का केस आपके सर पे आ सकता है। ट्राई टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम सच सिचुएशन ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। विष्णु सत्यनाम करिएगा 10 मार्च को अमावस्या के दिन, और बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। नीच राशि का बुध आपके मुंह में आया धनस्थान, नेगेटिव किसी के बारे में नहीं बोलिएगा, वो आप समेट नहीं पाएंगे। नीच राशि का बुध ध्यान रखिएगा, इसके लिए अमावस्या के दिन 1.25 किलो मूंग पल्सिस ये दान कर दीजिएगा, किसी भी शिव मंदिर में रख दीजिएगा, 100% लाभ होना ही चाहिए आपको। बुध का नेगेटिव का यही उपाय है, पंचमेश जरूर है बट नेगेटिव है, राहु के साथ है वो तो रिजल्ट नहीं देगा वो। एक तो पंचमेश बुध धनस्थान में आया, संतान के फायदे, दौलत का भी फायदा नहीं ले सकता, पंचमेश और अष्टमेश एक ही ग्रह, संतान का भी फायदा नहीं होता, संतान कभी कभी तो चिंता कर दे, चिंता का जन्म कराता है, ऐसे एक्वेरियस की औलादे होती है। इस महीने में 25 तारीख को रंगों का त्यौहार होली, सभी को मैं अपनी शुभकामना देता हूं कि जम के खेले होली। 25 मार्च को आपके अष्टम स्थान में ग्रहण है कन्या राशि में, हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है चंद्र ग्रहण, इसके लिए एक रिलीफ है आपके लिए। ये गजकेसरी योग की तारीख या चंद्र शुक्र की तारीख। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एंजॉयिंग।